रहस्यों से भरा सूर्य मंदिर, खूबसूरत समुद्री तट और यहाँ की समृद्ध संस्कृति जैसी चीजें उड़ीसा के कोणार्क को भारत के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक बनाती हैं। यहाँ बड़ी संख्या में भारतीय सैलानी पहुँचते हैं और साथ ही साथ विदेशियों को भी यह जगह खूब आकर्षित करती है। कोणार्क बंगाल की खाड़ी के तट पर पूरे जिले में स्थित जगह है। अगर आप किसी ऐसी जगह पर वेकेशन का प्लान कर रहे हैं जहां आप भारतीय शिल्प के इतिहास को करीब से देख सकते हैं और शांत विशाल समुद्र की लहरों को भी इंजॉय कर सकते हैं तो कोणार्क जरूर पहुंचे। कोणार्क और इसके आसपास कई ऐसी जगह हैं जहां आपको देखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। हालांकि ये जगह मुख्य रूप से विशाल सूर्य मंदिर के लिए दुनिया भर में जानी जाती है। यह मंदिर वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में शामिल है। इस मंदिर का निर्माण 1250 ईस्वी में गांग वंश राजा नरसिंह देव प्रथम ने कराया था। कहते हैं कि मुस्लिम आक्रमणकारियों पर जीत के बाद राजा नरसिंह देव ने कोणार्क में सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था, लेकिन 15वीं शताब्दी में इस मंदिर में आक्रमणकारियों ने लूटपाट मचा दी और यहां स्थापित मूर्ति को बचाने के लिए पुजारियों ने उसे पूरी में ले जाकर रख दिया। इस समय पूरा मंदिर काफी क्षतिग्रस्त हो गया था और धीरे धीरे पूरा मंदिर रेत से ढक गया था। फिर 20वीं सदी में ब्रिटिश शासन ने रेस्टोरेशन का काम प्रारंभ करवाया और उसी दौरान सूर्य मंदिर की खोज की गई। सूर्य मंदिर क्यों इतना खास है, चलिए ये जान लेते हैं। इस मंदिर को सूर्य देवता के रथ के आकार का बनाया गया है। इस रथ में 12 जोड़ी पहिए मौजूद हैं, जिसे 7 घोड़े रथ को खींचते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह 7 घोड़े 7 दिन के प्रतीक माने जाते हैं और 12 जोड़ी पहिए दिन के 24 घंटों को बताते हैं। यह भी माना जाता है कि 12 पहिए साल के 12 महीनों के प्रतीक हैं। इस रथ आकार के मंदिर में 8 ताड़ियां भी हैं जो दिन के 8 प्रहर को दर्शाती हैं। यहाँ की सूर्य मूर्ति को पुरी के जगन्नाथ मंदिर में सुरक्षित रखा गया है, इसलिए इस मंदिर में कोई भी देव मूर्ति मौजूद नहीं है। यह मंदिर समय की गति को दर्शाता है। कोणार्क में रहने के लिए अच्छी जगह कौन सी है ये आपको जानना जरूरी है, क्योंकि अगर आप कोणार्क में जा रहे हैं और सूर्य मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं तो वहां कोणार्क के साथ साथ कई ऐसी जगह हैं जो आपको देखनी बहुत जरूरी है। यहां आप पहुंचने से पहले अगर होटल बुक कराएं तो आपको परेशानी नहीं होगी। यहां आप 200 रुपये में भी होटल रूम बुक कर सकते हैं। यहां आप रेस्टोरेंट और होटल समुद्र तट और समुद्र मंदिर के करीब भी पा सकते हैं, जो काफी संख्या में है। अक्टूबर से फरवरी तक यहां पहुंचने का बेस्ट टाइम माना जाता है। कोणार्क का खाना बेहद स्वादिष्ट होता है। जी हाँ, यहाँ का मुख्य बाजार क्षेत्र समुद्र तट और मंदिर परिसर के पास है, जहाँ काफी संख्या में ढाबे मौजूद हैं। अगर आप कोणार्क जाना चाहते हैं और सूर्य मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं तो आसपास की जगह आपको जरूर घूमनी होगी, क्योंकि जगन्नाथ मंदिर के साथ साथ सूर्य मंदिर देश की भव्यता और विशालता को दर्शाता है। आपको बता दें कि अगर आप कोणार्क जाना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत आसान रास्ते हैं। आप वायुमार्ग से कोणार्क जाना चाहते हैं तो सबसे नजदीकी एयरपोर्ट बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भुवनेश्वर में है। यहाँ से कोणार्क लगभग 65 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसे आप कैब से जा सकते हैं। रेल मार्ग से कोणार्क जाना हो तो आप भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन से कोणार्क आ सकते हैं या पूरी रेलवे स्टेशन से यहाँ आ सकते हैं। बाकी की दूरी आप सड़क मार्ग से पूरा कर सकते हैं। कोणार्क सड़क मार्ग भारत के लगभग सभी हिस्सों में अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें।